हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। क्या आपने एक बात सुनी है कि दीवारों के भी कान होते हैं? आज मैं आपको ऐसी जगह के बारे में बताना चाहती हूँ जहाँ पर सचमुच में दीवारों के कान होते हैं। मैं बात कर रही हूँ बड़ा इमामबाड़ा, जो कि लखनऊ में स्थित है। इसे भूलभुलैया भी कहते हैं। इसको अवध के नवाब आशिफुद्दौला ने 1784 से लेकर 94 के मध्य में बनवाया था। इमामबाड़े का निर्माण आशिफुद्दौला ने 1784 में अकाल राहत परियोजना के अंतर्गत करवाया था। यह विशाल गुंबदनुमा हाल 50 मीटर लंबा और 15 मीटर ऊंचा है। अनुमानित इसे बनाने में उस जमाने में 5-10 लाख रुपए की लागत आई थी। यही नहीं, इस इमारत के पूरा होने के बाद भी नवाब इसकी साज सज्जा पर ही 4-5 लाख रुपए सालाना खर्च करते थे। इमामबाड़े का अर्थ है धार्मिक स्थल, यानी यह वह पवित्र स्थान है जहां भवन जो विशेष रूप से हजरत अली तथा उनके बेटों हसन और हुसैन के स्मारक रूप में बनाया जाता है। इमाम मुसलमानों के धार्मिक नेता को कहते हैं और भारत का सबसे बड़ा इमामबाड़ा यही इमामबाड़ा है। यह अपनी भव्यता तथा विशालता में भारत में ही नहीं शायद संसार भर में भी मशहूर है। आशिफुद्दौला की मृत्यु होने पर इसी इमामबाड़े में उन्हें दफनाया गया था। 1857 के भारतीय स्वाधीनता संग्राम के दिनों में 5 महीने तक इस भवन पर निरंतर गोलीबारी होती रही और उसकी दीवारें गोलियों से छिद गईं। फिर भी इस भवन को कोई हानि नहीं पहुंची। इस इमारत की संरचना इस प्रकार है, जो किसी अनजान व्यक्ति को भरम में डाल दे और इसमें भटक जाए और बाहर ना निकल सके, इसीलिए ही इसे भूलभुलैया कहते हैं। इस इमारत की कल्पना और कारीगरी कमाल की है। यहाँ पर ऐसे जरोखे बनाए गए हैं जहाँ पर मुख्य दीवार से अंदर आने वाले हर व्यक्ति पर नजर रखी जा सकती है, जबकि जरोखे में बैठे व्यक्ति को वह नहीं देख सकता। ऊपर जाने के तंग रास्तों में ऐसी व्यवस्था की गई है ताकि हवा और दिन का प्रकाश आता रहे। दीवारों को इस तकनीक से बनाया गया है कि यदि कोई फुसफुसाकर भी बात करे तो दूर तक ही आवाज सुनाई पड़ती है। छत पर खड़े होकर लखनऊ का नजारा बेहद खूबसूरत लगता है। अगर आप कभी भी लखनऊ जाएं तो इसे अवश्य देखें। इस इमामबाड़े में एक असली मस्जिद भी है। यहाँ पर गैर मुस्लिम लोगों को प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। मस्जिद परिसर के आंगन में 2 ऊंची मीनारें हैं। भूलभुलैया की बात करें तो अंदर जाने के लिए यहाँ 1000 से भी ज्यादा छोटे छोटे रास्तों का जाल है। वही बाहर निकलने के लिए सिर्फ 2 रास्ते हैं। यहाँ आकर अच्छे से अच्छा पर्यटक भी रास्ता भूल जाता है। भूलभुलैया के कुछ रास्ते तो इतने खतरनाक थे कि लोग इसमें फंसकर अपनी जान तक गवा चुके हैं। मान्यता है कि भूलभुलैया भूमिगत सुरंगों का ऐसा जाल है जो इमामबाड़े को दिल्ली, कोलकाता और फैजाबाद से जोड़ती है। हालांकि अब लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर इन्हें बंद कर दिया गया है। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कमेंट करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।